फासानो खवाई हांखर बेरमे उगै जनजातीय गौरव दिवस फलाय जाखा भगवान विश्व मुंडा थेबानी सालो रगै अरसाली पादा खाय जाखा क्वाचा बाहावा सतीश स्मृति कमिटी फल पांडवन जाखा खवाई हांखर सभाधिपति अर्पण सिंहराय खवाई एस डी एम नखबै तलासिकर ब्लक विडिओ तै हाथग्र अरसाली पांडव रुंगकनी रुंसुंनाय तै रुंसुंजाय जिग्नर खबै तुलसीगढ़ आर्ट डेवलप अंडार कैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल कैसा प्रोग्राम जनजाति तो प्रोग्राम जे जनजाति जे उत्सव चीनी सारा भारत बर्ष चीनी बुकुंगा अर्थात जनजाति चीनी मैडम सहिखाजे विश्वमंडली समेन्द्र क्लियर सहिखा बर खरसा मुंडा जातियानी वंश ब खरसा जनजाति जनजाति खबजल जनजाति चीनी मोदी जी प्रधानमंत्री चीनी सारा भारत बर्ष तमाम मर्यादा रही मैडम चीनी हाई साल बद नाइन बसुक थके चीनी जनजाति हमजा गए चीनी संस्कृति चीनी कलचार बैसी आना मनीषाओ तीनी आने कान नारे नाइटको आसल बो बेलैनी नाइट जाए बी चीनी रेगलै कान फैजा चुन लुगै दंग जेको चीनी तुलसीगढ़ आर डी ब्लग ए सी जी ग्रुप बैसंगी एक जेको प्रोग्राम जगह चीनी बीएम मैडम रेगलैर कान फैमानी एलोमा अब चीनी संस्कृति खर्चा मर्यादा चुनती विश्वमंडल सम्बन्धे आं सारा संस्कृति कलचार हईते वीर जोद्धा बीचेपन चीन एक अंश फल सुरना लाने जार कारण सारा भारत बर्ष तीन हाई दिन प्रोग्राम चलित चीनी त्रिपुरा राज्य माइ प्रोग्राम चलित विशेषक आं हमारे मारो माइ प्रोग्राम चीनी तुलसीगढ़ आर डी ब्लगंग थाने बस पहरूम आरोग उंगई दंग नगैतु एडियन चीनी जिला सभापति सैकमें चीनी तुलसीगढ़ आर डी ब्लग मैं प्रोग्राम खाई नए बर बेला हमें जो पार्टिसिपेट खाई मिशे खेल नलेज खाखलो अब सालिया भगवान का दर्जा दिया जाता है 1875 में उनका जन्म हुआ था और एक बहुत बड़ा रोल था उनका ट्राइबल जो पॉपुलेशन है जो ट्राइबल लोग हैं उनको एकजुट करने में अंग्रेजों के खिलाफ उनसे गुलामी के खिलाफ उन लोगों के ट्राइबल जो कस्टम्स हैं जो उनके लैंड राइट्स हैं उसमें हस्तक्षेप के खिलाफ और उनके उस मूवमेंट की वजह से जिसको उल गुलाम मूवमेंट बोला जाता है मुंडा ट्राइब्स में झारखंड में जिसका नेतृत्व उन्होंने किया था तो उनके देहांत के उपरांत उनके इस रीजन की वजह से कि उन्होंने ऐसे सारे जनजाति को इस तरीके से एकत्रित किया एकजुट किया उसके बाद से ब्रिटिश जो सिस्टम था उसको छोटा नागपुर क्लीरेंसी एक्ट लाना पड़ा जिसमें ये था कि ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल लैंड में ट्रांसफर करना डिफिकल्ट बनाया गया था। तो आपको पता होगा कि आज तो सारे देश में इवन त्रिपुरा में भी ट्राइबल जो लैंड है उसको नॉन ट्राइबल में बेचना खरीदारी करना थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया है ताकि आप लोगों का लैंड रिकॉर्ड जो ट्राइबल लोग हैं सुरक्षित रहे। तो ये योगदान है बिरसा मुंडा जी का कि ट्राइबल लोगों को एकत्रित किया उनके राइट के प्रति जागरूक किया और इसी रीजन की वजह से 2021 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो आज ये चौथा वर्ष है और 2023 में इसी संदर्भ में एक स्कीम लॉन्च किया गया था जिसको पीएम जनमन बोला जाता है। तो देश भर में 75 ऐसे ट्राइब हैं 75 ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिसको पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब बोला जाता है जो सोशियो इकोनॉमिक रेस्पेक्ट में बहुत पिछड़े हुए हैं। उस 75 ट्राइब लोगों की लिस्ट में हमारे जो स्टेट है हमारा त्रिपुरा उसमें एक ट्राइब आता है जिसको रियांग कम्युनिटी बोलते हैं।
तो रियांग कम्युनिटी के लिए ये स्कीम था पीएम जनमन, जिसमें हमारा दो ब्लॉक, एक तुला शिखर भी था खुद ही और दूसरा मुंगिया का भी, इन दो ब्लॉक में जो रियांग ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी उनके वेलफेयर मेजर्स के लिए, उनके विकास के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई गई कि सारे तरह के सर्टिफिकेट, राशन कार्ड्स, जो गैस सिलेंडर होता है ये सब उनको उपलब्ध हो, अच्छे रोड्स अवेलेबल हों, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट के तरह के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो आज ये पहला एनिवर्सरी है उस चीज़ का, 15 नवंबर 2023 से आज हम 15 नवंबर 2024 में हैं, एक साल हो गए हैं उस प्रोग्राम को। और उस प्रोग्राम में पीएम जनपद में 1000 ऐसी रियांग फैमिली थी जिसको सेलेक्ट किया गया था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो सभी के पास हमने ट्राई किया कि 100% सेचुरेशन हो सारे स्कीम्स का। 1000 फैमिली में अराउंड 4000 लोग थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो सबके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, जिसको भी रिक्वायरमेंट हो इनकम सर्टिफिकेट की वो हो, जो आयुष्मान कार्ड बनता है जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको वो मिले, तो ये सारी चीज़ें अभी हो गई। और इस प्रोग्राम के सक्सेस को देखते हुए भारत की सरकार ने ये डिसाइड किया कि ये 15 नवंबर 2024 जो है आज इसको धरती आभा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। तो पहले का जो प्रोग्राम था वो केवल पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब के लिए था जिसमें केवल रियांग कम्युनिटी आती थी, बट अभी जो आज ये नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जिसको आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जमुई बिहार में इस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, और देश भर में 195 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो वीसी के थ्रू इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। आज का प्रोग्राम उन विलेजेस के लिए है जहां पे ट्राइबल इन जनरल जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, ऐसे रेवेन्यू विलेजेस जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी की पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 ब्लॉक हैं जिसमें से 37 रेवेन्यू विलेज हैं उसका चयन किया गया है, जहाँ पे हम जो भारत की भारत सरकार है उसके 17 मिनिस्ट्री के अंदर 25 ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसको नेक्स्ट 5 साल में सेचुरेट करने का प्रयत्न करेंगे। वहाँ पे अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो, अच्छे स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, जो ट्राइबल हॉस्टल्स होते हैं उनका मेंटेनेंस हो, रिनोवेशन हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, सारे तरह के प्रोग्राम, बेसिकली एक आदर्श ग्राम के रूप में उसको बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। और आज यह प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जो नेक्स्ट 5 साल तक चलेगा, और इस 5 साल में इन सारी सुविधाओं को इन विलेजेस तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाएगा। तो हमारा जो 37 विलेजेस सेलेक्ट हुए हैं उसमें पद्मविल जो आरडी ब्लॉक है हमारा उसमें 10 विलेजेस हैं, तुला शिखर जहाँ पर आज ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें 15 विलेजेस हैं, तेलियामुरा जो हमारा आरडी ब्लॉक है उसमें 3, मुंगिया कामी में 4, कल्याणपुर में 2, और 3 ऐसे विलेजेस हैं जिसको अभी भी सेलेक्ट करना बाकी है। तो ये 37 विलेजेस हैं हमारे कोई डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, और ये प्रोग्राम उन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए हैं तो उनका विकास हो, उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, तो इसी रिस्पेक्ट में आज ये प्रोग्राम लॉन्च होगा। और 11 बजे जब प्रधानमंत्री जी जमुई बिहार से उस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे तो हम सुनेंगे कि बाकी डिटेल में कि ये प्रोग्राम और किस बारे में है, क्या क्या किया जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, इन 3 चीज़ों के लिए ये प्रोग्राम, फर्स्ट कि आज हम बिरसा मुंडा जी की, जिसको ट्राइबल कम्युनिटी लोग भगवान मानते हैं, उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा पीएम जनमन जो लास्ट ईयर हुआ था उसका फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तीसरा जो आज धरती आभा जनजातीय ग्राम दिवस मनाया जा रहा है, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। तो इन 3 संदर्भ में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 11 बजे जब हम प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी क्या कहते हैं उसको सुनेंगे। इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।